दिल्ली से हमारे साथ साथ रोशनी। हेलो गाइस, कैसे हो? सही हो? ठीक हो? ये देखिए, ये सारा सेटअप लग गया था लेडीज़ संगीत के लिए, जो कि घर के अंदर ही सारा सेटअप लगाया था। उसके बाद सब लोग, गांव के लोग जो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए थे, सारी तैयारियां हो गई थी और बाहर जागो के लिए सारी लेडीज़ गई थी। तो ये देखिए, अन्नू भी आ गई हमारे बीच में। नमस्कार बाबू, नमस्कार। चलो आ गई। हाय गाइस, आज हमारे घर में शादी है। लेट आई लेकिन सारे चले गए उधर, उधर गए सारे। हाँ, जागो वाले सब जागने गए। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी मेन्यू में क्या क्या तैयार हो गया था। तो ये देखिए, सेटअप रेडी था। ये था मिक्स वेज और देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। उसके बाद था शाही पनीर और ये भी बहुत अच्छा बना था। उसके बाद था ये मटर पनीर। उसके बाद था दाल मखनी। दाल मखनी हम सबका फेवरेट है। राइस और राइस ये था। उसके बाद ये था दाल तड़का, येलो दाल, फिर ऑल टाइप्स ऑफ भरवा, सारे करेले जितने भी होता है सारे भरवा रेडी थे। ये गाजर का हलवा था, क्योंकि डेजर्ट मीन्स मीठा होना तो ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखिए, गाजर का हलवा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद है दही भल्ले। दही भल्ले तो मेन कोर्स होता है, उसमें तो होता ही होता है। दही भल्ला सबको फेवरेट भी होता है। उसके बाद ये देखिए, ये सारे टाइप्स ऑफ रोटी, जो कि नान भी था, रुमाली रोटी था और ऑल टाइप्स पूड़ी भी थे, पापड़ थे, मतलब सब कुछ वहाँ पे जो जिसको चाहिए सब कुछ वहाँ पे था। और पालक वाली पूड़ियाँ भी थी, तंदूरी रोटी भी थे, नान थे, लच्छा पराठा था। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, गांव के लोग आना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि गांव में जल्दी खा लेते हैं लोग खाना, तो जल्दी ही सब लोग स्टार्ट हो गए थे। लोग आ रहे थे, खा रहे थे और जा रहे थे। और नियर अबाउट वही 1500 लोग तक, 1000 इतने लोग आए थे खाना खाने के लिए। तो सब लोग खाना खा के जाते रहे। और जो हमारा जो लेडी संगीत का सेटअप था वो हमने छत पे करवाया था, क्योंकि नीचे थोड़ा दिक्कत हो जाता है और गांव में जो लेडीज़ होती हैं वो जल्दी बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए हम लोगों ने छत पे उसका अरेंज करा था। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, कई लोग जो गांव से होंगे, क्योंकि लेडीज़ बाहर जेंट्स के बीच में खाना खाने नहीं जाती थी, इसलिए उनके लिए ये अंदर सेटअप लगा दिया था। बात ले लो।
मैम आप थोड़ा पीछे हो जाइए। भैया जी भाई साहब हमारे भैया इनका हेलो उसके बाद दोस्तों लेडी संगीत खत्म हो गया था। फाइनली हम लोग भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। सब लोग अपने असली रूप में आ गए थे चेंज करके। और बहादुर भैया बहुत अच्छे हैं। हम लोग जिस दिन से गए थे कंटिन्यूसली वो अच्छे से हम लोगों के खातिरदारी में लगे हुए थे, अच्छे से खाना वाना खिलाने में। तो प्रभु ने बहुत आशीष करे। और ये देखिए हमें इंजॉय कर रहे थे अपने अपने मील को। और यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, और उस सब चीज़ के हम लोग बस बातें कर रहे थे और अपने खाने को इंजॉय कर रहे थे। तो किसे किसे भाई पसंद है शादी का खाना, क्योंकि कहते हैं कि शादी का खाना घर वाले तो कम ही इंजॉय कर पाते हैं। हेलो ला भाई ला जोर ला जोर ला ला जोर ला ए ला ला जोर ला जोर ला ला वही जोर ला वही तो जीजा को लगा तू लगा तू हरा दे है क्यों नहीं ला ला जोर ला जीजा जी अभी दिल्ली फाइनल करेंगे। मैं तो ऐसा हार जाता मुझे इतना नहीं नहीं हाय हाय हमारे विनर ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आखिरी हल्दी भी ख़त्म हो गया और हम सब बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़े से सैड भी थे और खुश भी थे, क्योंकि अभी तो मैरिज बाकी था। और ये हल्दी का भी सब लोगों ने डिनर कर लिया और सब लोग बैठे हुए थे, लास्ट में हम सब बातें कर रहे थे। और ये देख लीजिए सारे बर्तन खाली हो गए हैं। तो ये देखिए सब लोग फटाफट खाना खाने में लगे हुए हैं और हम सब बोल रहे थे जल्दी जल्दी खा के सो जाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें उठना है। वहाँ नेक्स्ट डे भी बहुत सारे काम थे। तो दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो, सॉरी थोड़ा लेट मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद आपको धड़ाधड़ और भी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलेंगे। दीदी ये फूड नहीं रहा है।
नकली वाला वो है आपका धान, नकली वाला नहीं होता। तेज गाओ सब लोग, हम लेवे नहीं, सब ब्लॉग में गांव की शादी है ना, ये लड़की देखो बैठी है रो रही है, इसको थप्पड़ थप्पड़ पड़ा है, ये देखो मोहित।